हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम आलम है। मेंटेंस मैकेनिक वर्क्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेस्मी के पंप की, जो ब्लास्टिंग में यूज़ होता है, बार्ज में जो वाटर इन आउट करने के लिए यूज़ होता है। इस पंप की मैकेनिकल सील लीक हो गई है, तो इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले हमने इसके मोटर को ओपन करना है। मोटर की सारी वायरिंगें ओपन करने के बाद हम इस मोटर को चेन ब्लॉक की मदद से ओपन करेंगे। ये काफ़ी हैवी होता है और इसे फिर सेफ प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए भी हम इसे चेन ब्लॉक की ही मदद से शिफ्ट करेंगे, जिसमें 2 या 3 चेन ब्लॉक यूज़ हो जाएंगे। और जब इसे ओपन करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप इस पर ध्यान दीजिए कि जो बेल्ट है, बेल्ट में आपने एक रोप की मदद से उसे स्ट्रेट रखना है। अक्सर करके जब मोटर लिफ्ट होती है, हैवी होने की वजह से वो गिर सकती है, टर्न हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मोटर को लिफ्ट करते वक्त हमने रोप का इस्तेमाल करना है, जो मोटर के बेल्ट को सीधा रखेगा। मोटर सेफ प्लेस पे शिफ्ट करने के बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे, जो है हाउसिंग, जिस पे ये मोटर फिक्स था। हाउसिंग को ओपन करने के लिए भी हम चेन ब्लॉक का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी हैवी पार्ट्स होता है। हाउसिंग को ओपन कर चुके हैं। हाउसिंग को ओपन करने के बाद ही हम शिफ्ट कर लेंगे सेफ प्लेस पे। फिर हम कपलिंग की तरफ आएंगे। कपलिंग में जो की रहता है वो ओपन करने के बाद हमें पुलर की मदद से इसे ओपन करना है, क्योंकि काफ़ी जाम हो जाते हैं। कपलिंग ओपन करने के बाद हम इसके पूरे पंप को नीचे का मैकेनिकल सील ओपन करके निकाल लेंगे। नीचे का मैकेनिकल सील निकालने के बाद ये पंप पूरा का ही पूरा बाहर आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। अगर हम ऊपर का मैकेनिकल सील पहले निकालने की ट्राई करेंगे तो हाउसिंग डैमेज होने का खतरा होता है। जो उसकी ऊपर की प्लेट है वो टूट सकती है, जो काफ़ी जाम हो जाता है बैरिंग की वजह से। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि नीचे का मैकेनिकल सील आप पहले ओपन कर लीजिए, उसके बाद फिर बाहर पंप निकाल के ऊपर का मैकेनिकल सील ओपन करने का स्टार्ट कीजिए। तो ये पंप बाहर आ चुका है। पंप बाहर आने के बाद देख सकते हैं आपकी बैरिंग की कंडीशन क्या है। ये इसके पार्ट्स हैं जो नीचे के मैकेनिकल सील ओपन करने के टाइम पे निकले हैं, और ये उसके ऊपर के मैकेनिकल सील ओपन करने के टाइम के पार्ट्स। इसमें 2 बैरिंग हैं, जो बॉल बैरिंग है ये ऊपर लगती है और जो रोलर बैरिंग है वो नीचे लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने क्लीन कर लिया। अब हम सबसे पहले हमने शाफ्ट को हाउसिंग के अंदर फिक्स करना है। अगर हमने पहले इम्पेलर में फिक्स किया तो वो शाफ्ट इसमें नहीं लगेगी। ये सारे न्यू पार्ट्स हैं जिसमें मैकेनिकल सील और बैरिंग्स हैं। सबसे पहले हाउसिंग में हमने शाफ्ट को फिक्स कर लिया, फिर इम्पेलर लगा के हम इसे मैकेनिकल सील टॉप साइड के लगाना शुरू करेंगे। मैकेनिकल सील लगने के बाद फिर हम इसमें बैरिंग लगाएंगे। बैरिंग लगने के बाद इसी रेडी है पंप लगाने के लिए। पंप हम इसकी वाटर गैलरी की हाउसिंग में लगा देंगे और उसके बाद हम नीचे का मैकेनिकल सील टाइट कर देंगे। ये पंप रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कपलिंग लगाएंगे। कपलिंग लगने के बाद इसके लॉक पोल टाइट कर देंगे। उसके बाद हम इसमें हाउसिंग लगाएंगे। हाउसिंग लगने के साथ ही जो भी इसमें पाइपलाइंस लगे हुए हैं कूलिंग सिस्टम के लिए, वो हमने लगा देना है। जो इसकी ओवर फ्लो पाइपलाइन है, पंप में से एयर निकालने की पाइपलाइंस हैं, वो सारे हम लगाने के बाद हमें एक बार कपलिंग को गोल घुमा के चेक करना है कि ये फ्री है या नहीं। उसके बाद की लगा के हमने मोटर को इस कपलिंग के साथ अटैच कर देना है। मोटर लगाने के बाद सारे बोल्ट को टाइट कर देना है, मोटर की सारी वायरिंगें कर देनी है। ये पंप अब टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। बाय।